कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से कई हजार साल पहले डेमन्स हमारी पृथ्वी पर ड्रैगन स्टोन नाम के एक मटेरियल का इस्तेमाल करके आए थे, ताकि वो हम इंसानों को गुलाम बनाकर रख पाए। वहीं इंसानों ने इन डेमन्स के ड्रैगन स्टोन का ही यूज करके ऐसे हथियार बना लिए जिनसे वो इन मॉन्स्टर्स से लड़ सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक घने जंगल में दो लड़कियों को एक खतरनाक मॉन्स्टर से बचकर भागते हुए देखते हैं। वो दोनों झाड़ियों में जाकर छुप जाती हैं और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस मॉन्स्टर ने उन्हें ढूंढ लिया है। अब इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाती, तभी उनमें से बड़ी लड़की को मॉन्स्टर उठाकर खा जाता है। और जब वो मॉन्स्टर छोटी लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लड़की बड़ी तेजी से वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि बहुत सारे डेमन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, और जब मॉन्स्टर उस लड़की को मारने वाला होता है तभी अचानक यहाँ एक डेमन स्लेयर आ जाता है और अपनी शील्ड से उस मॉन्स्टर को मारकर इस लड़की की जान बचा लेता है। इस डेमन स्लेयर का नाम तेनशी होता है और यहाँ ये अपने भाई चेन के साथ आया था। ये लोग असल में ऐसे ही डेमन्स को मारकर पृथ्वी के लोगों की रक्षा करते थे। तेनशी एक होनहार तलवारबाज था और उसका भाई चेन एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। अब ये दोनों भाई उस डेमन वीच के पीछे भागते हैं और इनसे बचने के लिए वो वीच अपनी जान बचाते हुए यहाँ से उड़कर भागने लगती हैं। ये दोनों भाई पेड़ों का सहारा लेते हुए उसके पीछे बड़ी तेजी से भाग रहे थे और कुछ ही टाइम बाद ये दोनों उस डेमन का सर धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते अब एक मैदान में पहुंच गई थी, जहां अचानक ही एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि यहां एक और भयानक डेमन मौजूद था जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे डेमन हंटर्स फाइट कर रहे थे। इस लड़ाई में साफ नजर आ रहा था कि वो डेमन इन हंटर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। तभी यहाँ उस डेमन वीच का सर उड़ता हुआ इस बड़े से मॉन्स्टर से टकराता है और तीन डेमन स्लेयर यहाँ आ जाते हैं और बाकी डेमन हंटर्स के साथ मिलकर इस बड़े डेमन पर हमला करते हैं। लेकिन ये डेमन इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये सभी को एक एक करके मारता जा रहा था। ये डेमन अपने मुंह से एक आग का गोला उन पर जैसे ही फेंकने लगता है, तभी तेनशी हवा में उड़ता हुआ इस डेमन के सर पर वार करता है। लेकिन तब तक वो डेमन अपने मुंह से आग का एक गोला फेंक चुका था, जो सीधा उस लड़की पर जाकर गिरता है जो वहीं छुपकर बैठी थी। अब इस आग के गोले से एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद अब डेमन हंटर्स गुस्से में आकर उस मॉन्स्टर के कंधे पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर डेमन हंटर्स के लीडर को नीचे गिराकर उस पर अपना पैर रखकर उसे वहीं मार डालता है। लेकिन लीडर के अटैक से वो डेमन घायल हो गया था। इसके बाद सभी हंटर्स अपने आखिरी वार के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी से एक एक करके उस डेमन से टकरा कर खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। अब इतने सारे अटैक्स के बाद वो डेमन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वहीं तेनशी जब अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला होता है तो वो देखता है कि वो डेमन अपने असली चेहरे को बाहर निकाल रहा है। तेनशी यहाँ पर समझ चुका था कि इस डेमन की यही कमजोरी है। तभी तेनशी अपनी पूरी एनर्जी से उड़ता हुआ उस डेमन का असली सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद बाकी बचे हुए हंटर्स देखते हैं कि वो डेमन जलकर हवा में धुआं बनकर उड़ रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर ये आखिरी डेमन था, जिसके मरने के साथ ही इन हंटर्स का काम भी समाप्त हो गया था। अब इंसान इन हंटर्स का शुक्रिया करने की बजाय इन्हें भी मॉन्स्टर की तरह ही देखने लगते हैं, जिसकी वजह से इन हंटर्स को सोसाइटी से अलग रहना पड़ता है। अब ऐसा होने पर ये सारे डेमन हंटर्स 7 सालों के लिए छिपकर रहने के लिए अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। यहाँ तेनशी और उसके दोनों भाइयों को भी इसी तरह सोसाइटी से अलग होकर रहना पड़ता है। तेनशी और उसके भाई अब मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनसे ये काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। यहाँ उनसे थोड़ी दूर दो मछुआरे इनको देखकर इन पर हंसने लगते हैं। तभी
तभी उन मछुआरों का एक दोस्त वहाँ उनके पास आता है, जो कि उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करता है। ये ड्रिंक देखने में कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर भी ये मछुआरे इसे नजरअंदाज करके पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद तेंची और उसके दोनों भाई नदी से काफी सारी मछलियाँ पकड़ने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मछुआरा जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके साथी बैठकर उसे खा रहे थे। तेंची का भाई फियोन जैसे ही उनके पास जाता है, वैसे उस मछुआरे के साथी फियोन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उस मछुआरे के साथी मॉन्स्टर बन चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फियोन को जान से मारता, उससे पहले ही तेंची उस मॉन्स्टर को ही जान से मार डालता है। वहीं चेन भी अपनी तलवार निकालता है और सेकेंड मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। इसके बाद इन लोगों को वहाँ पर एक ड्रिंक बोतल मिलती है और ये समझ जाते हैं कि ये मछुआरे इस ड्रिंक को लेने के बाद ही मॉन्स्टर बने होंगे। इसके बाद तेंची, फियोन और चेन तीनों सिटी में जाकर इस ड्रिंक के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ड्रिंक में ऐसा क्या था जो लोगों को मॉन्स्टर बना देता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ और करते, तभी इनके पीछे एक जख्मी आदमी आता है जो काफी बीमार था। ये बीमार आदमी इनको डीमन स्लेयर्स के रूप में पहले से पहचानता था। ये तीनों भाई जख्मी आदमी को सिटी में एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां फियोन की गर्लफ्रेंड शूना ही डॉक्टर थी। यहां पर इन्हें लैला नाम की एक और डॉक्टर भी मिलती है, जो कि तेंची को पहचान जाती है, क्योंकि लैला वही छोटी लड़की थी जिसकी जान तेंची ने मूवी के ओपनिंग सीन में बचाई थी। लेकिन अब वो काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए तेंची को कोई आइडिया नहीं होता कि ये डॉक्टर वही लड़की है जिसकी उसने आज से कई साल पहले जान बचाई थी, और इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। शूना और लैला तुरंत उस बीमार आदमी का ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और सक्सेसफुली उसकी जान बचा लेते हैं। यहाँ पर वो बीमार आदमी तेंची और उसके भाइयों को बताता है कि असल में मैं भी एक डेमन हंटर ही था और कुछ समय पहले ही सिटी की एक वाइन फैक्ट्री में खोजबीन करने गया था, क्योंकि हाल ही में सिटी के लोगों के लापता होने के केसेस काफी बढ़ गए थे और उस वाइन फैक्ट्री में मुझे कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिला। लेकिन तभी एक डेमन ने मुझ पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर वो बीमार आदमी तेंची से कहता है कि मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा यही है कि वो लोग उन मॉन्स्टर को जड़ से खत्म कर दें। इतना कहकर वो आदमी मर जाता है। यहाँ पर ये तीनों भाई समझ जाते हैं कि डीमंस वापस आ गए हैं और इसीलिए ये तीनों अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। अब इनके साथ लैला भी शामिल हो गई थी और ये चारों रात में उसी फैक्ट्री में जाते हैं जिसके बारे में वो बीमार आदमी बता रहा था। यहाँ फैक्ट्री में हम इस फैक्ट्री के बॉस को देखते हैं जो अपने वर्कर्स को एक किस्म की वाइन पिला रहा था, वो भी तब जब वो वर्कर्स सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे वर्कर्स मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वहीं तेंची वाइन सेलर में देखता है कि इस वाइन में डीमन का ब्लड मिलाया जा रहा है और इसी वजह से इसे पीने वाला कोई भी इंसान मॉन्स्टर में बदल जाएगा। यहाँ ये सब इस डीमन ब्लड को जब देख रहे होते हैं, तभी इन्हें अपने पीछे एक परछाई भागती हुई दिखती है। इस परछाई के पीछे भागते हुए ये सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लैला पर एक चिपचिपे हाथ वाला मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी तेंची सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर छत पर चल रहा हो। एक तरफ फियोन और चेन इन मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चारों ओर धुआं हो जाता है। उधर तेंची और लैला भी इन डीमन से बचकर भाग रहे थे, लेकिन तभी सामने के दरवाजे से वही डीमन विच इनके सामने आ जाती है जिसे सालों पहले तेंची और उसके भाइयों ने जान से मार दिया था। ये डीमन विच उनके ऊपर अटैक करने लगती है और तेंची को जमीन पर गिरा देती है और उसका गला घोटने लगती है। ये देखते हुए लैला से रहा नहीं जाता और वो एक फॉक्स डीमन में बदल जाती है और अपनी पूंछ से उस डीमन विच को बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। तेंची के दोनों भाई भी अब तक बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। वो देखते हैं कि डीमन विच भाग रही है, इसलिए वो उस पर अटैक करके
उसका सर धड़ से अलग करके उसे जान से मार देते हैं। उधर तेंशी लैला की सच्चाई जानकर हैरान हो गया था कि वो भी एक डीमन है। तेंशी लैला से पूछता है कि तुम एक डीमन हो लेकिन फिर भी तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। यहाँ पर लैला तेंशी को बताती है कि वो वही छोटी लड़की है जिसे तेंशी ने कई सालों पहले डीमन वीच से बचाया था, लेकिन उस बड़े डीमन के फेंके आंख के गोले के धमाके से उसकी डेथ हो गई थी और वो उसी नदी में गिर गई जहाँ पर उस डीमन की लाश पड़ी हुई थी, और उस डीमन का खून नदी के सारे पानी में मिल गया और फिर वही पानी उसकी बॉडी में चला गया, जिसके बाद डीमन के खून से वो वापस से जिंदा हो गई और अब उसमें भी डीमन की तरफ पावर्स आ गई, मतलब कि वो भी एक डीमन बन गई। यह सुनने के बाद तेंशी डिसाइड करता है कि वो लैला की सच्चाई को अपने दोनों भाइयों से छुपा कर रखेगा। अब ये लोग यहाँ पर सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है जो इन लोगों पर वाइन फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से घुसने का इल्जाम लगाती है। उसी वक्त चेन उस डीमन विच का कटा हुआ सर पुलिस की तरफ फेंक कर उन्हें सच बताता है। पुलिस इन्हें इस सिटी के गवर्नर के पास ले जाती है। गवर्नर इन लोगों का शुक्रिया अदा करने की बजाय इन्हें इस सिटी से बाहर जाने के लिए कहता है। ये देखकर ये तीनों भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गवर्नर उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं तो वो सिटी में हुए सभी कत्लों का इल्जाम उन पर डाल देगा। ये लोग वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ तेंशी ये रियलाइज करता है कि इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए इन्हें गवर्नर की बात माननी ही पड़ेगी। उधर जब फियोन की गर्लफ्रेंड ये बात सुनती है कि उन तीनों को गवर्नर ने सिटी से बाहर निकलने का आदेश दिया है तो वो भी फियोन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तेंशी अपने भाइयों से कहता है कि जब तक वो अपनी इज्जत वापस नहीं पा लेते तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तेंशी उन्हें ये भी बताता है कि मुझे शक है कि गवर्नर हमसे कुछ सीक्रेट छुपा रहा है, और असल में दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसी टाइम दूसरी ओर गवर्नर अपने सारे ऑर्डर्स किसी डीमन से ले रहा था। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि ये कोई डीमन नहीं बल्कि डीमन हंटर्स का बॉस ही था, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में उस बड़े डीमन से लड़ते वक्त मारा गया था। अब यहाँ पर डीमन हंटर्स का बॉस ही इस गवर्नर को डीमन बनने से रोकने के लिए एक एंटीडोट देता रहता था, क्योंकि उस गवर्नर ने भी एक बार गलती से डीमन ब्लड वाले ड्रिंक को पी लिया था, लेकिन फिर डीमन हंटर्स के बॉस ने उसे इस डीमन ब्लड का एंटीडोट देकर उसकी जान बचा ली थी, और इस डीमन ब्लड का एंटीडोट सिर्फ डीमन हंटर्स के बॉस के पास ही था, जिस वजह से वो गवर्नर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। इस जहर के इलाज के बदले में हंटर्स का बॉस गवर्नर से कहता है कि तुम बाकी सभी हंटर्स को जान से मार दो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस बीमारी से ठीक कर दूंगा। ना चाहते हुए भी गवर्नर को इस बात को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल इस गवर्नर ने अपने महल के एक सीक्रेट रूम में जमीन के नीचे एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन किया हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता था और हर दिन वो गवर्नर उस मॉन्स्टर को इंसानों की बलि चढ़ाता था, जिसके लिए वो हर दिन शहर में से किसी लड़की को उठाकर जबरदस्ती उसे उस पोर्टल में फेंक देता था। उस पोर्टल में बहुत सारे इंसानों के कंकाल थे। इसके बाद वो बड़ा मॉन्स्टर उस लड़की को खा जाया करता था। इसके बदले में मॉन्स्टर गवर्नर को अपना ब्लड देता था, और इसी ब्लड से गवर्नर फैक्ट्री में फैक्ट्री के बॉस से मिलकर लोगों को डीमन ब्लड देकर डीमन में बदलते थे, मतलब कि वो इंसानों को मॉन्स्टर बनाते थे। अगली सुबह तेंशी फैसला करता है कि वो गवर्नर के महल में जाकर वहाँ खोजबीन करेगा। फियोन उसे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जाना पड़ेगा, जो कि गुस्सा होकर वहाँ से चली गई है। तेंशी सिक्योरिटी गार्ड से छिपते हुए बेसमेंट में उस पोर्टल के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने हंटर बॉस का हथियार पड़ा हुआ देखता है, और उसे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगता कि इस काम में हंटर यानी उसका बॉस भी शामिल है। लेकिन वो इस बात से बहुत हैरान था कि उनका बॉस तो मारा गया था, तो फिर वो वापस जिंदा कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ फियोन अपनी गर्लफ्रेंड को किसी तरह से मना लेता है, लेकिन यहाँ पर एक और अजीब बात ये होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ अजीब तरीके से एक्ट करने लगती है,
जैसे कि उसको किसी ने वश में किया हो। वो फियोन के पहले तो बहुत करीब चली जाती है और उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखती है और फिर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसके बाद फियोन की गर्लफ्रेंड का डैड उसके रूम में भागता हुआ आता है। यहाँ पर फियोन समझ चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया है। लोग फियोन को चौराहे पर ले जाते हैं और फिर वो उसको बेइज्जत करने लगते हैं कि वो डीमन हंटर होने के बावजूद एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहा था और उस पर सब्जियां और पत्थर फेंकने लगते हैं। फियोन की गर्लफ्रेंड शूना फियोन की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर एक खंजर से फियोन को मार डालती है और फिर लोग फियोन की बॉडी को वही चौराहे पर ही लटका देते हैं। थोड़े समय बाद चेन उनके लीडर के बारे में फियोन को बताने के लिए भागता हुआ फियोन की गर्लफ्रेंड शूना के घर जा रहा था, लेकिन वो मार्केट में आते ही उसके छोटे भाई फियोन की लाश लटकी हुई देखता है। चेन तेजी से भागता हुआ अपने भाई की लाश के पास जा रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि यहाँ पर कई सारे सैनिक उसके आने का ही इंतजार कर रहे थे। वो सभी सैनिक चेन के ऊपर एक साथ तीर चलाकर उसे भी अधमरा कर देते हैं। इसके बाद गवर्नर यहाँ आकर चेन का मजाक उड़ाता है कि तुम लोगों को मारना कितना आसान था। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन भी गवर्नर के साथ आया था और वो उन दोनों भाइयों के अंदर से उनकी जान खींच लेता है। उसी रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तेंची अपने भाइयों को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। तेंची देखता है कि चेन की सांसें अभी भी चल रही थी। वो जल्दी से अपने दोनों भाइयों को लेकर लेला के पास जाता है, जहाँ लेला उसके भाई चेन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। चेन की हालत को देखते हुए तेंशी लेला को बताता है कि अब सिर्फ एक ही बंदा है जो उसके भाई को बचा सकता है। वो तुरंत शहर से दूर एक माउंटेन पर जाते हैं। दरअसल वो माउंटेन डीमंस का घर था। यहाँ पर तेंशी को उनका हंटर मास्टर मिलता है। तेंशी उससे पूछता है कि आखिर वो अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे हो गया, जिसके जवाब में उनका हंटर बॉस उसे बताता है कि असल में डीमन स्टोन तब खत्म होगा जब सभी मॉन्स्टर्स और हंटर्स इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उसने एक एक करके सभी हंटर्स को जान से मरवा दिया। इतना कहकर उनका हंटर मास्टर तेंशी पर तलवार से वार करके उसको दूर गिरा देता है। तेंशी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने हंटर मास्टर से लड़ने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और एंड में जब तेंशी अपनी पूरी पावर से हंटर मास्टर पर तलवार से अटैक करने जाता है तो हंटर मास्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर अपनी तलवार फेंक देता है और उसे अपने ऊपर अटैक करने देता है। तेंशी हंटर मास्टर के सीने में तलवार आर पार कर देता है। मरने से पहले हंटर मास्टर तेंशी को बताता है कि अब जब सभी हंटर्स खत्म हो चुके हैं तो अब ह्यूमैनिटी का भला होगा और वो डीमन स्टोन भी अपने आप ही टूट जाएगा। यहाँ पर हंटर मास्टर तेंशी को वो सेलेस्टियल स्फेयर दे देता है और उसकी डेथ हो जाती है। हंटर मास्टर का ये सेक्रीफाइस देखकर तेंशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो डीमन गवर्नर के साथ था वो आ जाता है और चेन की बॉडी को पजेस करके उसे एक डीमन में बदल देता है। इसके बाद चेन जो कि अब डीमन में बदल चुका था वो तेंशी को मार देता है और यहाँ से सीधा शहर की तरफ जाने लगता है। सिटी के सैनिक समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और जब वे लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा डीमन दिखाई देता है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये डीमन हर तरफ आंख के गोले फेंक कर सब कुछ तबाह करने लगता है। चारों तरफ लोग भाग रहे होते हैं और लोगों के घर जल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली गवर्नर बाहर आता है और इस डीमन को कहता है कि तुम पूरे के पूरे शहर को क्यों तबाह कर रहे हो। वो डीमन गुस्से में आकर गवर्नर को एक ही पंच मारकर मार देता है। दरअसल शुरुआत से ही ये डीमन गवर्नर को मूर्ख बना रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हंटर घोड़े पर इस बड़े से डीमन से लड़ने के लिए आ रहा था। दरअसल ये तेंशी ही था जो अभी तक मरा नहीं था। तेंशी बड़ी फुर्ती से उस डीमन की पीठ पर चढ़ जाता है और जब वो उसके सीने में तलवार से वार करने लगता है तो वो अपने भाई को उस डीमन की पीठ पर फंसा हुआ देखता है। अचानक वो डीमन तेंशी को पकड़कर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने से तेंशी बेहोश हो जाता है। उसी वक्त
सिटी से कुछ और लोग उस डीमन से लड़ने आ जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डीमन हंटर्स थे जो कई साल से उस सिटी में छुपकर रह रहे थे। वो सभी मिलकर उस डीमन पर अपने हथियारों से अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस डीमन पर उनके हथियारों का जरा सा भी असर नहीं होता। इसके बाद वो डीमन हंटर्स पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन से टकरा कर खुद को ब्लास्ट करने लगते हैं। इसी वक्त यहाँ तेंशी को भी होश आने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब डीमन चेन ने तेंशी पर अटैक करके उसे मार दिया था, तो उसके बाद लेला ने डीमन स्टोन और अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके तेंशी को जिंदा कर दिया था, और साथ ही तेंशी को सुपर पावर्स भी मिल गई थी, लेकिन इसके बदले में लेला की जान चली गई। अब यहाँ तेंशी पूरे गुस्से और जोश में उस डीमन की नेक पर चढ़ जाता है, जहाँ उसका भाई चेन भी कैद था। चेन तेंशी को कहता है कि इस डीमन को खत्म करने के लिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी तेंशी को मजबूरी में अपने भाई चेन के सीने में अपनी तलवार से वार करके उसे मारना ही पड़ता है। अब फाइनली वो डीमन खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन तेंशी की आंखों में सिर्फ दर्द ही था, क्योंकि उसने अपने सभी चाहने वालों को खो दिया था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।